वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कंट्रोल स्ट्रक्चर चल रहा है चैप्टर, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि पहले तो डिसीजन कंट्रोल देखा था जिसमें इफ एल्स वगैरह उसका यूज कैसे होता है। फिर उसके बाद हमने देखा लूप कंट्रोल जिसमें हम लोगों ने व्हाइल डू व्हाइल और फॉर लूप पढ़ा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होते हैं वो लूप्स में क्यों यूज किए जाते हैं, इनका क्या बेनिफिट है और ये ब्रेक से कैसे डिफरेंट है। जब भी आप कभी किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो मोस्टली वो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ब्रेक या कंटिन्यू क्या डिफरेंस है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है उसका क्यों यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी लूप के अंदर हैं, ठीक है, आप मान लीजिए व्हाइल लूप में हैं, कोई कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख रखा है कंटिन्यू, ठीक है, इसका यही सिंटैक्स होता है, जैसे ब्रेक सेमी कॉलन वैसे ही कंटिन्यू सेमी कॉलन। उसके बाद मान लीजिए आप ये कुछ स्टेटमेंट्स और है और उसके बाद आपका यहाँ पे व्हाइल लूप क्लोज हो रहा है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, कोई एक आपका ऐसा प्रोग्राम है, आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो जिसमें कुछ कोई कंडीशन ऐसी हो, ठीक है, जब वो कंडीशन ट्रू हो तो हमारा क्या हो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। आपकी कंडीशन ट्रू हुई, आप अंदर आए, ये स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट कर दिया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया और यहां तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए। यहां पे एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिए यहां पे आप कुछ इफ कंडीशन कुछ लगा आपने लगाई हुई है जिसमें आप चाहते हो कि सारे केसेस तो हों बट कुछ एक ऐसा केस हो, अगर वो केस इस प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है, बस आप चाहते हो वो केस ना एग्जीक्यूट हो बाकी सारे केसेस हों, तो उसके लिए क्या होगा, आप उसके नीचे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दो। कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाने से क्या होगा कि जैसे ही इफ कंडीशन देखेगा वो कंटिन्यू स्टेटमेंट में आएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कहेगा कि जो आपका कंट्रोल यहां पे आया है वो कंट्रोल डायरेक्टली यहां से इस लूप की बिगिनिंग में चला जाए। जो ये लास्ट के स्टेटमेंट्स हैं कंटिन्यू के नीचे के जो स्टेटमेंट्स हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना करो, उनको स्किप कर दो, बाईपास कर दो और अपना कंट्रोल यहां से लूप के स्टार्टिंग में ले जाओ। तो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, वो कंट्रोल को स्टॉप करता है और उसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उनको बिना एग्जीक्यूट किए या कह लो बाईपास कर देता है और कंट्रोल को सीधे लूप की बिगिनिंग में पॉइंट कर देता है। दैट मींस नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधे कंट्रोल आपका लूप के बिगिनिंग में चला जाएगा और फिर से यहां कंडीशन चेक होगी और फिर से अगर ट्रू हुई तो फिर से आके ये स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू कैसे यूज कर रहे होंगे, अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें तो उससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यू कैसे यूज कर रहे हो और इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग लूप्स की नेस्टिंग करते हैं, जैसे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा था आगे एग्जांपल्स आएंगे तो आप लोगों को और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जिसमें लूप फॉर लूप की नेस्टिंग की गई है और अब प्रोग्राम लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं आउटपुट क्या चाहता हूं, कैसे इसलिए प्रोग्राम लिखा है। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, मेन, ठीक है, मेन के अंदर कुछ इनिशियलाइजेशन करेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि इंट टाइप के मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंट आई कॉमा जे सेमी कॉलन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू, फॉर लूप में क्या होता है तीन स्टेप्स होते हैं, पहला इनिशियलाइजेशन को होता है तो आई को मैंने वन इनिशियलाइज कर दिया सेमी कॉलन।
फिर आई पे कंडीशन लगाए कि आई हमारा क्या हो, लेस देन इक्वल टू टू हो, ये कंडीशन वाला पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट वाला, तो आई प्लस प्लस कर दिया। आई प्लस प्लस मीन्स आई को हर बार एक बढ़ाना है, ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर हमने एक और फॉर लूप लगाया, ठीक है। उस फॉर लूप को किसके लिए लगाया, वेरिएबल जे के लिए। तो जे को यहां हमने इनिशियलाइज कर दिया वन, पहला पार्ट हो गया। फिर जे की कंडीशन क्या रखी, इसको भी टू से लेस रखा, फिर सेमी कॉलन, फिर इसको भी क्या किया, जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और लिखेंगे हम प्रिंट, प्रिंटफ के अंदर क्या लिख रहे हैं, प्रिंटफ के अंदर हम कर रहे हैं परसेंट डी, ओके, परसेंट डी फॉरवर्ड स्लैश एन। पहला डी क्या प्रिंट करे, आई की वैल्यू, और दूसरा डी जो हमने लिखा है वो जे की वैल्यू प्रिंट कर दे, ठीक है। अभी यहां से हटा देते हैं, अभी जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा हम करना क्या चाहते हैं। ओके, ये फॉर लूप हमने क्लोज किया और फिर ये फॉर लूप हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद ये मेन क्लोज कर दिया। ये अभी प्रोग्राम है, अभी इसमें हमने कंटिन्यू का यूज नहीं किया है। हम आपको बताएंगे कि क्या हमारी नीड होगी तो हम कंटिन्यू का यूज करेंगे। देखो फिलहाल जो ये प्रोग्राम लिखा है, अभी देख लो क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक। तो अभी देखते हैं कैसे क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं इंट आई कॉमा जे कैसे करेगा। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब होगा आई एक वेरिएबल होगा, तो आई एक डब्बा बनाएगा, मान लो 100 एड्रेस पे था। इसी तरह जे एक डब्बा बनाएगा, वो मान लो 200 एड्रेस पे था। अभी हम एड्रेस डिलीट कर दें क्योंकि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, बट जब हम वहां पे पॉइंटर्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे इन एड्रेसेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पहले से हैबिट बना लो कि वेरिएबल जहां भी हो रहे होंगे उनके कुछ एड्रेस होंगे, ठीक है। तो आई और जे दो वेरिएबल होंगे। फिर यहां पे आए इस लूप में जब आएंगे, कंट्रोल हमारा इस लूप में आया, क्या किया, आई को वन इनिशियलाइज कर दिया, तो वन इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद क्या दूसरा स्टेप क्या होता है, कंडीशन चेक करता है, क्या वन लेस देन टू है, यस है, तो क्या करेगा, इस लूप के अंदर आ जाएगा। अब कंट्रोल यहां आ गया, यहां आने के बाद देखेगा दूसरा फॉर लूप है, ठीक है। क्या कर रहा है, जे को वन इनिशियलाइज कर रहा है, तो जे की वैल्यू वन हो गई। उसके बाद क्या चेक कर रहा है कि जे लेस देन टू है, हाँ वन की वैल्यू लेस देन टू होती है, तो इस लूप के अंदर आ गया हमारा कंट्रोल, ठीक है। अब कंट्रोल यहां है, क्या प्रिंट कर रहा है, आई और जे की वैल्यू, आई परसेंट, पहला परसेंट डी कह रहा है आई की वैल्यू प्रिंट करो, दूसरा परसेंट डी कह रहा है जे की वैल्यू प्रिंट करो। तो क्या करोगे, आई और जे की क्या वैल्यू है, वन वन, तो मतलब क्या हो गया हमारा आउटपुट, मैं यहां लिखता हूं आउटपुट क्या हो गया, वन वन, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन है, इसका क्या मतलब होता है, न्यू लाइन। तो अब आगे यहां से इसका आउटपुट जो होगा ना, अब आगे अगर जो भी कुछ प्रिंट होगा तो न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया हुआ था। ओके, एक राउंड हो चुका है, अभी इसका आई इज इक्वल टू वन के लिए एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पे हम आ चुके थे, प्रिंट हमारा कर दिया है हमने। प्रिंट करने के बाद अभी हम लूप से बाहर नहीं आएंगे, सीधे ये प्रिंट करने के बाद देखेंगे कर्ली ब्रेसेस है तो क्या होगा, ये कंट्रोल हमारा उठ के यहां पे आएगा, चेक करेगा जे को जे प्लस प्लस कर देगा, तो वन थी वैल्यू, तो जे की वैल्यू वन को क्या कर देगा, टू टू कर देगा। करने के बाद फिर क्या काम करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक किया, क्या टू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये लूप के अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा क्या, परसेंट डी आई कॉमा जे, आई और जे की वैल्यू फिर से प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू है वन और जे की वैल्यू हो गई टू, तो क्या प्रिंट कर दिया, वन और टू, ठीक है, वन और टू प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहां पे फिर से क्या होगा, ये प्रिंट करने के बाद फिर से कंट्रोल यहां जे प्लस प्लस पे आएगा, जे प्लस प्लस मतलब जे को तीन कर देगा। तीन करने के बाद फिर हमारी यहां कंडीशन चेक होगी, क्या तीन दो से छोटा है, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या करेगा, इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब फिर से देखेगा
कि हमें फिट कर्ली ब्रेसेस मिल रहा है जो कि खुद एक फॉर लूप का था, तो क्या करेगा सीधे फिर कंट्रोल कहां जाएगा आई प्लस प्लस पे। ओके कंट्रोल हमारा उठ के आई प्लस प्लस पे आएगा, तो आई की वैल्यू जो वन थी अब क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, और टू होने के बाद फिर क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या चेक कर रहा है टू लेस देन और इक्वल टू टू है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो कहां आ जाएगा हमारा फिर से कंट्रोल, फिर से इस फॉर लूप पे आ जाएगा। ओके यहां आ गया, फिर से क्या करेगा जे वन कर रहा है, जे को जे की क्या हो रही वैल्यू वन हो रही है, तो अभी तक जो थ्री हो गई थी अब थ्री ये हट जाएगा और अब वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से वन हो जाएगी, वन हो गई, वन होने के बाद कंडीशन चेक की ट्रू है, प्रिंट कर देगा क्या आई कॉमा जे की वैल्यू, आई क्या है टू जे की वैल्यू है वन, तो क्या प्रिंट हो गया टू और वन, ठीक है दो वैल्यू प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद यहां आएगा जे प्लस प्लस करेगा, वन की वैल्यू टू हो गई यहाँ पे, फिर चेक करेगा क्या टू लेस देन इक्वल टू टू है, यस, फिर से आई जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, वैल्यू क्या हो गई टू टू। ओके टू टू कर दिया, करने के बाद फिर से आएगा जे प्लस प्लस कर देगा, प्लस प्लस करने का मतलब ये वैल्यू फिर से तीन हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा क्या तीन दो से छोटा है, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो कंट्रोल आई प्लस प्लस पे पहुंच जाएगा, आई प्लस प्लस पे पहुंचने का मतलब है यहाँ आई की वैल्यू थ्री हो गई, थ्री होने का मतलब है फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा क्या थ्री लेस देन इक्वल टू टू है, वो कहेगा नहीं है, नहीं है, इसका मतलब इस लूप से भी बाहर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया और प्रोग्राम खत्म हो गया। तो अब हमारा आउटपुट क्या हो गया वन 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 टू टू वन टू टू, ये हमारा आउटपुट हो गया, इस प्रोग्राम से ये आउटपुट निकल रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, अगर मैं कुछ इस तरह प्रोग्राम करना चाहता हूं कि जो मेरा आउटपुट है उसमें सिर्फ वन टू आए टू वन आए, जो इक्वल इक्वल नंबर है वो ना आए, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा आउटपुट चाहते हैं जिसमें ऐसा आउटपुट हो वन टू आए टू वन आए, ठीक है, उसमें वन वन या टू टू ना आए, मीन्स आई इक्वल टू जे ना प्रिंट हो, जहां पे आई और जे इक्वल हो वो प्रिंट ही ना हो, उसके लिए कैसे करोगे, वहां पे आपको कंटिन्यू की जरूरत पड़ेगी। अच्छा आप देखेंगे हम कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू का मतलब क्या है, जब भी आप देखोगे अंदर आओगे जब भी आप चेक करोगे कि आई की वैल्यू अगर जे के इक्वल हो रही है तो यहां कुछ ऐसी कंडीशन लगा दो कि जब भी हम चेक कर लें कि क्या आई इक्वल इक्वल जे है, ठीक है, जब भी आपको आई इक्वल इक्वल जे हो तो ये प्रिंट एफ हो ही ना, वही सिचुएशन आ गई जैसे हम चाहते थे कि हम कुछ चाहते हैं कि जब एक पर्टिकुलर कंडीशन आए तो हमारे जो नीचे के स्टेटमेंट हो वो प्रिंट ही ना हो, सीधे हमारा लूप पे चला जाए, इनिशियल पे चला जाए, तो यहाँ पे वो चीज प्रिंट ही ना हो। देखो कैसे करेंगे इसको, हम ये स्टेटमेंट हम चाहते हैं पर इसके पहले हम कुछ कंटिन्यू का फंडा लगाएंगे, यहाँ पे देखो कैसे लगाएंगे, क्या चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे ही लूप के अंदर आए हम क्या चेक करा रहे हैं, इफ आई इक्वल इक्वल जे, जब भी आई की वैल्यू जे के इक्वल हो तो क्या कर दो कंटिन्यू कर दो, ठीक है कंटिन्यू कर दो, अगर आई इक्वल जे जे के नहीं इक्वल है तो सिंपल आप वही स्टेटमेंट अपना बनाए रखो प्रिंट एफ वाला, हमें सिर्फ यही सिचुएशन तो नहीं चाहिए थी, बाकी सब में तो चाहिए ना, क्या होगा परसेंट डी फॉरवर्ड स्लैश एन का ही वैल्यू प्रिंट करनी आई और जे की, बस ये कर क्लोज कर दिया और ये क्लोज कर दिया, इतना हमें चाहिए। कंटिन्यू का यूज अब देखो कैसे होता है, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूशन देखेंगे क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन देख रखा है कैसे क्या, अभी भूल जाओ हमारा कुछ आउटपुट नहीं है, अभी हमारा कुछ नहीं है, अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं जल्दी से, ठीक है, तो इसका यूज समझ आ जाएगा। देखो यहाँ आई जे का मतलब हो गया एक आई नाम का वेरिएबल बन गया और एक जे नाम का वेरिएबल बन गया, यहाँ पे आए आई वन को कर दिया, करने के बाद कंडीशन चेक की वन लेस देन टू है, यहाँ पे आ गए यहाँ पे जे को वन कर दिया, ठीक है जे को वन कर दिया, जे को वन करने के बाद कंडीशन चेक की ट्रू है, अंदर आ गए, यहाँ पे क्या हुआ पहले चेक करेगा क्या आई इक्वल इक्वल जे है वन वन, यस इक्वल है तो क्या हुआ
अंदर आ गए और कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। कंटिन्यू एग्जीक्यूट करने से क्या हुआ, यहीं से हमारा कंट्रोल कंपाइलर ये समझ जाता है कि कंटिन्यू जिस भी लूप में लगा हुआ है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस लूप में लगा हुआ है, कंटिन्यू क्या करेगा, अपने नीचे जितने भी स्टेटमेंट थे इस लूप में सबको बाईपास कर देगा और जो कंट्रोल यहां पे था सीधे कंट्रोल को उठा के बिगनिंग में ले आएगा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कंटिन्यू का ये यूज होता है। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल जो था यहां था, यहां से सीधे यहां आ जाएगा, ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा, आएगा जे प्लस प्लस कर देगा तो ये हो जाएगी टू, और टू लेस देन इक्वल टू टू है यस, तो यहां आएगा नीचे फिर से इस लूप में आ जाएगा, चेक करेगा कि आई इक्वल इक्वल जे है, वन इक्वल नॉट इक्वल टू टू, सो इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं होगा तो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधे कंट्रोल हमारा यहां आ जाएगा, यहां आएगा तो क्या प्रिंट करा दे रहा है, परसेंटी किसकी, आई और जे की वैल्यू, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, वन और टू, जो हम चाहते थे, वन टू नहीं चाहते, वन वन नहीं चाहते थे, तो वन वन नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है, इसी तरह अब ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद कंट्रोल कहां चला जाएगा, यहां जे प्लस प्लस कर देगा तो ये थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम इस लूप में आएंगे ही नहीं, कंट्रोल हमारा कहां चला जाएगा, आई प्लस प्लस पे, तो आई प्लस प्लस मतलब वन को यहां पे टू कर देगा, कंडीशन चेक करेंगे टू लेस देन इक्वल टू टू और इक्वल टू टू यस, तो फिर से हम लूप पे आ जाएंगे, लूप पे आए तो क्या किया इसने, जे को वन कर दिया, तो हम यहां पे क्या करेंगे, जे की वैल्यू फिर से वन कर देंगे। ओके, जे को वन कर दिया, कंडीशन चेक किया क्या वन लेस देन टू है, यस कंडीशन ट्रू है, फिर आके इफ चेक करेगा क्या आई और जे की वैल्यू इक्वल है, तो वन और टू इक्वल नहीं है, इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल सीधे इस पे आएगा, प्रिंट कर देगा क्या आई और जे की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू क्या है, टू वन, टू वन ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये प्रिंट करने के बाद कंट्रोल हमारा जे प्लस प्लस पे आया, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, टू हो गई, कंडीशन चेक की क्या टू लेस देन टू इक्वल टू है, यस आया, कंडीशन चेक करने के बाद इफ आया, इफ पे आ गया, इफ पे कंट्रोल आया, उसने क्या चेक किया क्या आई इक्वल टू जे है, यस दोनों इक्वल है, तो क्या करेगा, इफ के अंदर आ जाएगा कंट्रोल, और कंट्रोल इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो फिर कंटिन्यू क्या कहेगा, कंट्रोल अपना लूप के इनिशियल पॉइंट पे ले जाएगा, लूप की बिगनिंग में ले जाएगा, और बाकी के नीचे जो स्टेटमेंट्स थे ना उसके जितने भी हैं उस लूप में एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो यहां आ जाएगा जे प्लस प्लस कर देगा, जे प्लस प्लस मतलब थ्री हो गया, थ्री लेस देन इक्वल टू टू होता है नहीं, तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉर लूप से बाहर आ गए और हमारा कंट्रोल कहां पहुंच गया, आई प्लस प्लस पे, आई प्लस प्लस किया तो ये थ्री हो गया। अब यहां क्या हुआ, क्या थ्री लेस देन इक्वल टू टू होता है, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस लूप से भी बाहर आ गए, बाहर आ गए तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, खत्म हो गया, और आप आउटपुट देख सकते हो क्या हो गया, वन टू टू वन। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू का यूज क्या होता है और ब्रेक से डिफरेंस क्या होता है। ब्रेक क्या करता है, उस लूप से कंट्रोल को बाहर ले आता है, ठीक है, सीधे कंट्रोल बाहर ले आता है, उस लूप का काम खत्म कर देता है। यहां कंटिन्यू का काम क्या होता है, लूप से बाहर नहीं आएगा बट लूप कंटिन्यू के नीचे जो भी स्टेटमेंट होंगे उन्हें बाईपास कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे लूप इनिशियल पोजिशन पे फिर से ला देगा उसी लूप में, बस इतना डिफरेंस होता है। और कंटिन्यू का यूज ज्यादातर हम लोग इफ के साथ ही करते हैं, कंडीशन चेक करो जो हमें नहीं चाहिए बस उसे हटा दो, बाकी सबको प्रिंट होने दो। तो ये था कंटिन्यू, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज क्या होता है वो हो गया, इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं चाहे थ्योरी एग्जाम हो या फिर इंटरव्यूज हो, ठीक है, फाइंडिंग आउटपुट में भी इनका बहुत यूज करते हैं वो लोग ब्रेक और कंटिन्यू का। ठीक है, ब्रेक का यूज और कहां होता है, ब्रेक का यूज आप देखोगे जब अभी केस कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल पढ़ोगे, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्विच केस वगैरह आपने सुना होगा, वहां भी ब्रेक का यूज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंटिन्यू का यूज अभी और भी आप प्रोग्राम्स में देखोगे जहां पे ठीक ऐसी नीड होगी, जो कुछ हमें चाहिए नहीं होगा आउटपुट में तो हम लोग कंटिन्यू का यूज करेंगे। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कंटिन्यू और ब्रेक की तो आप कोई भी प्रैक्टिस बुक उठा सकते हो, कंट्रोल स्ट्रक्चर का चैप्टर खोलो, लास्ट में एक्सरसाइज में बहुत सारे मिल जाएंगे।
ठीक है, अगर यशवंत कानितकर बुक उठा रहे हो आप, वहां देख रहे हो, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट में कर सकते हो, तो मैं उसके सॉल्यूशंस करवा दूंगा। ठीक है, ओके।